बड़ी चुनौती की आदत पड़ गई है। जिंदगी में इस सरकार को पिछले 30 वर्षों से लगातार 15-25 वर्षों से झेल रही है। ये जनप्रतिनिधि के नाम पर कलंक मात्र हैं। जो कॉलेज 25 वर्ष पहले था वही यहाँ रह गया है, जो अस्पताल 25 साल पहले बना था वही यहाँ रह गया है। फिर ये मंत्री कैसे, किस काम के मंत्री? सीधा नया एजेंडा ये होगा कि एक जनप्रतिनिधि को जो उसकी जिम्मेवारी है उसको पूरा करना चाहिए, और वो जिम्मेवारी हम पूरी तरह से उठाने के लिए तैयार। जिम्मेदारी क्या क्या मान रहे हैं जनप्रतिनिधि? जो आम आदमी के मूलभूत सुविधाओं का अधिकार है, संविधान ने जो अधिकार दिया है व्यक्ति को मूलभूत सुविधा का, कम से कम वो प्राप्त होना चाहिए जो इस पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में आम लोगों को मैसर नहीं है। नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हमारे साथ जो है पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के इस बार जो है महागठबंधन खेमे से जो प्रत्याशी हैं प्रवीण कुमार कुशवाहा जी मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहला जो सवाल होगा, आप पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से लगातार जो 25 साल से विधायक रहे हैं, आपको NDA खेमे से नंदकिशोर यादव जी मंत्री भी रहे हैं, इसके बाद आप जो है उनके अपोजिशन में उतर रहे हैं, इस बार चुनौती तो बड़ा होगा ना सर? बड़ी चुनौती की आदत पड़ गई है। जिंदगी में इस सरकार को पिछले 30 वर्षों से लगातार 15-25 वर्षों से झेल रही है। ये जनप्रतिनिधि के नाम पर कलंक मात्र हैं। जो कॉलेज 25 वर्ष पहले था वही यहाँ रह गया है, जो अस्पताल 25 साल पहले बना था वही यहाँ रह गया है। फिर ये मंत्री कैसे, किस काम के मंत्री? सरकार तो लगातार कर रही है, जैसे NDA की गवर्नमेंट है, जैसे विकास की बात करती है तो विकास के तो अलग अलग मानक होते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, मानक होते हैं। तैरता हुआ अस्पताल विकास का मानक होता है। जो नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वो तैरता हुआ अस्पताल कहलाता है। आपने देखा होगा कोविड का स्पेशल अस्पताल था वो, और वो पानी में तैर रहा था, इसी पटना साहिब कंस्टिट्यूएंसी का था। स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ से रहे हैं। अब आप क्या समझ सकते हैं इस बात को? कहीं ना कहीं जैसे चुनौती की बात करें, ये तो आपने बता दी, तो आप क्या नया एजेंडा लेकर के आ रहे हैं सर? 25 साल से तो एक ही विधायक को जनता ने देखा है, इसके बावजूद विकास की जो सीढ़ी है वो उस पर नहीं चढ़ पाई है क्षेत्र। मेरा सीधा नया एजेंडा ये होगा कि एक जनप्रतिनिधि को जो उसकी जिम्मेवारी है उसको पूरा करना चाहिए, और वो जिम्मेवारी हम पूरी तरह से उठाने के लिए तैयार हैं। जिम्मेदारी क्या क्या मान रहे हैं जनप्रतिनिधि? जो आम आदमी के मूलभूत सुविधाओं का अधिकार है, संविधान ने जो अधिकार दिया है व्यक्ति को मूलभूत सुविधा का, कम से कम वो प्राप्त होना चाहिए जो इस पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में आम लोगों को मैसर नहीं है। जैसे NDA गवर्नमेंट लगातार आरोप लगाती रहती है, कांग्रेस ने 70 साल देश पर राज किया, आज भी जैसे NDA का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था इस दौरान भी उन्होंने कहा कि मोदी और योगी आने वाले हैं, इससे कांग्रेस जो है डरी हुई है, ये सारी चीज़ें आरोप लगातार लगाते रहते हैं। मोदी और योगी आकर कोई पाकिस्तान नहीं बना देंगे इसको, मोदी और योगी आकर कोई चाइना से लड़ाई नहीं ले लेंगे। मोदी और योगी आकर सिर्फ झूठ और फरेब की राजनीति कर सकते हैं, हथकंडे की राजनीति कर सकते हैं, वो सिर्फ लोगों को बड़गला सकते हैं, धार्मिक उन्माद फैला सकते हैं, जातीय उन्माद फैला सकते हैं, इसके सिवा उनका कोई एजेंडा नहीं। और कहीं ना कहीं ये भी बात कही गई आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो कांग्रेस का जो ये महागठबंधन जो है, महागठबंधन नहीं रह गया बल्कि राजद का एक गठबंधन रह गया, इस बात से कितना सहमति रखते हैं सर? क्या क्या कांग्रेस ये NDA के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी आरोप लगाया गया कि महागठबंधन महागठबंधन नहीं है बल्कि राजद का गठबंधन है, कितना ताल्लुक रखते हैं? महागठबंधन तो है मगर उधर जो ठगबंधन बना है उसके बारे में सोचिए। महागठबंधन तो हमारा इतना कामयाब है कि हम चार पार्टी के लोग हर मंच पर सही से मौजूद होते हैं, लेकिन उनका एक गठबंधन लोजपा से अलग होता है, उनका एक गठबंधन ओवैसी से अलग होता है, तो उसको क्या कहेंगे आप? दो के साथ अंडर टेबल गठबंधन है तो ठगबंधन हुआ ना, तो जनता की आंखों में धूल झोंकना और किसे कहते हैं। किस तरह से जैसे क्षेत्रीय कार्यकाल की बात करें, क्षेत्र में जैसे आपका निकलना होता होगा, अभी सुबह हमेशा निकलना होगा, जनता क्या कह रही है सर? जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है, हर हाल में हर कीमत पे इस जनप्रतिनिधि से छुटकारा चाहती है। करा जाती है तो सीधे तौर पे अभी जो है पटना साहिब क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी हैं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रवीण कुमार कुशवाहा जी हमारे साथ थे, सीधे कह रहे हैं जनता अब जो है पुराने शासनकाल से उब चुकी है, अब बदलाव चाह रही है और इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। क्यों नहीं, अवश्य, और युवाओं की चाहत है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने,
युवाओं की आकांक्षाओं को पूर्ति करें, है ना, बिहार से पलायन रुके, जो बेरोजगारी है वो दूर हो, युवाओं को एक उम्मीद है तेजस्वी। युवाओं की उम्मीद पे तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो खरा उतरेंगे, इनका ऐसा उम्मीद है। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी रहता है, बिना मिलावट की खबर के लिए लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।